अभी जयपुर में हूँ और ये जयपुर का नारायण सिंह सर्किल, यहाँ से आपको यूपी की तरफ की, दिल्ली की, आगरा की साइड में बसें निकलती हैं। तो यहाँ से ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और पत्रिका गेट तक जाएंगे एयरपोर्ट के पास में। पूरा वीडियो देखें, मज़ा आएगा। आइए शुरू करते हैं। ये नारायण सिंह सर्किल और इसके साथ में ये पूरा मार्केट यहाँ का, और यहाँ से ये सामने स्वास्थ्य कल्याण भवन नारायण सिंह रोड पे और त्रिमूर्ति सर्किल के पास। तो ये त्रिमूर्ति सर्किल आपके सामने इधर, और सीधा ये रोड आगरा को और दिल्ली को निकल जाता है। आइए त्रिमूर्ति सर्किल तक चलते हैं। और ये त्रिमूर्ति जिसे पुलिस शहीद स्मारक भी बोलते हैं, पुलिस के जवानों को जो शहीद हो जाते हैं उनके सम्मान में ये सर्किल बनाया गया है। और तीन मूर्ति यहाँ पर बनी हुई, इसलिए इसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। ये तीन पुलिस वालों की यहाँ पर अलग अलग पोजीशन में, शहादत की पोजीशन में इनकी यहाँ पे स्टैचू बना रखे हैं, इसलिए इसे त्रिमूर्ति सर्किल बोलते हैं और पुलिस शहीद स्मारक भी बोलते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा यहाँ का व्यू है। और ये जेएलएन मार्ग है, इधर ये एयरपोर्ट तक जाता है जिस रोड पे हमें आगे चलना है, और पत्रिका गेट तक इस रोड पे हम जाने वाले हैं। और इधर ये पूरा सिटी की तरफ चला जाता है, और सीधा बात करें तो ये आगरा और दिल्ली रोड को मिला देता है। आगे जाके दोनों रोडें आगे मिल जाती हैं। और इधर ये नारायण सिंह सर्किल जहाँ से हम अभी चल के आए हैं। आइए चलते हैं पत्रिका गेट की तरफ, तो किसी ऑटो में या बैटरी वाली गाड़ी में वहाँ तक जाएंगे। और ये त्रिमूर्ति सर्किल से इधर हम देखते हैं आगे, तो ये इधर एक होटल है, होटल ग्रांड ओनियारा, काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये काफ़ी बड़ा होटल। और आगे ये ऊपर डोंगरी पे मंदिर है और पुराना गढ़ है, और आगे बिरला मंदिर आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। और ये बैटरी वाली गाड़ी हमें मिल गई अभी, जो हमें पत्रिका गेट तक लेके जाएगी। ये इधर पुष्पा पथ आ गया, ये देखिए इधर पुष्पा पथ, और ये पूरा जेएलएन मार्ग जहाँ से हमने शुरू किया है त्रिमूर्ति से, और ये भैरव पथ है इधर। मैं तो क्या पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ, और जो देखता हूँ उसको रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पे दिखाता हूँ। ये सामने आपका इधर मोती डोंगरी, बिरला मंदिर, गणेश मंदिर, ये सब आ गए। ये सिग्नल यहाँ आ गया, गणेश मंदिर का सिग्नल। और ये यूसुफ भाई के साथ हमने सफ़र शुरू कर दिया है। ये मोती डोंगरी गणेश मंदिर का सर्किल से आगे निकलते ही एक साइड में बिरला मंदिर, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ बिरला मंदिर, और ये ऊपर राजा का महल, और उस अंदर शिव मंदिर, और इधर जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA, और ये सीधा जेएलएन मार्ग जवाहर सर्किल तक हम इसमें जाएंगे, जहाँ पर पत्रिका गेट बना हुआ है। और लेफ्ट और राइट राजा पार्क, और ये रास्ते निकल रहे हैं इधर, सीधा आगे फिर हवाई अड्डा आ जाता है, एयरपोर्ट आ जाता है। ये मंदिर, बिरला मंदिर का सिग्नल यहाँ पर,
कितना चल रहा है? 30-32 का स्पीड पे गाड़ी हमारी चल रही है अभी। ये इसकी फुल स्पीड है 32-33, इससे ज़्यादा नहीं चलती है। ट्रैफिक का थोड़ा सा कानून पालना ज़रूर करनी चाहिए, कानून मानना चाहिए। कोई लोग कहीं से भी आ रहे हैं उससे हादसा होने का खतरा रहता है, लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है कानून को, जिससे दूसरों को भी तकलीफ होती है। लेकिन हमारे यूसुफ भाई कानून को मानते हुए चलते हैं। और यह राजस्थान यूनिवर्सिटी, और ये महात्मा गांधी सर्किल, महात्मा गांधी मार्ग, और ये महात्मा गांधी का स्टेचू यहाँ पर। लेफ्ट और राइट में महात्मा गांधी मार्ग है, और सीधा हमारा ज्वार सर्किल को जाने वाला जेएलएन मार्ग। और ये राजा रामदेव पोदार गवर्नमेंट स्कूल है इधर। और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंटर। और ये आर ए पोदार इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का स्कूल यहाँ पर। बिहार में कहाँ बताया आपने? बांका जिला से हैं भाई, और यहाँ 20-25 साल से रह रहे हो। तो यही टेम्पो ही चला रहे हो या पहले और कुछ करते थे? पहले पैडल के रिक्शा, पैडल वाली रिक्शा चलाते थे। अरे उसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, लेकिन बिहार के लोग बहुत मेहनत करते हैं। करना तो पड़ेगा भाई साहब। तो उसके बाद ये ले लिए, कब लिया, कितना दिन हो गया? 15 दिन है। नहीं, नया था। किराए का है या अपना खुद का है? तो अपना रिश्तेदार है। किराए का है, मतलब आप किराया दे रहे हो। कितना किराया देते हैं इसका? 350 रोज का। नया है, बिल्कुल नया, एकदम ब्रांड न्यू है। अभी निकाल के दिया क्या आपको? हाँ, 15 दिन हुआ है। अच्छा, अभी निकाला, 15 दिन हुआ। कितने का आता है? या 165 का आया। 165 का, 350 आप रोज का दोगे उसको तो 10,000 उसको महीने का चला के जाएगा। तो 165 कितना, 16 महीने 17 महीने पूरा हो जाएगा उसका। तो पूरा हो गया ना, ये तो बाद में भी चलेगा। तो उसको सही है कि आपको सही है? जो एक बार रुपया लगाया तो उसको सही है, उसको थोड़ा कमाई हो जाएगा। एक बार तो पैसा भी लगाया। एक साल आपने मान लो 16 महीने 17 महीने चला दिया, तो उसका जो लगा हुआ पैसा पूरा हो गया उस टाइम के बाद, यानी 16-17 महीने बाद इसका कीमत कितना रह जाएगा? फिर भी लगाने के बाद 70-80 हज़ार। तो मतलब 70-80 हज़ार तो उसका कमाई हो गया एक तरह से। पुराना हो जाता है, कीमत कम हो जाती है, ये बात तो सही है। तो आपका काम कैसे चलता है, कितना घंटा चलाते हैं? घंटा तो 8-9 घंटा 8-9 घंटा चलाते हैं। ओके। कितना दिहाड़ी बना लेते हो आराम से? हाँ, दिहाड़ी तो बस नहीं है भाई, 2,000 तक होता है? 2,000 नहीं होता है, 800-900 बच जाता है। नहीं, पूरा ही। तो उसमें तो 350 उसको ही चला जाता है, 800-900 में फिर आपको 500-600 बच गया। हाँ भाई, 400-500 बचता है। तो महीने का एवरेज मतलब खा पी के 10 बजता है। अच्छा, तो जितना किराया दे रहे उतना ही आपको ही बच जाता है, इससे ज़्यादा कमाई नहीं होता। और वो आप 8-9 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो मतलब अपना होगा तो आप 20,000 कमा लेंगे। अपना 10 उसको दे रहे हैं, 10 आप कमा रहे हैं तो 20 हो गया ना, अपना होगा तो 20,000 बचा लेंगे। तो आप किस्तों में नहीं ले लेते? किस्तों किस्तों मिलता है ना, थोड़ा सा डाउन देख के किस्तों मिल जाता है। तो उसमें ये आपको फायदा है कि जो किस्त बढ़े हैं, अभी रोकना पड़ेगा, सिग्नल आ गया।
जो किस्त भर रहे हैं उसको जो दे रहे हैं आप, उतना किस्त भरेंगे तो मतलब 15-16 महीने में, मान लो आप इतना किस्त रखते हैं 10,000 का, तो 15-16 महीने पूरा हो गया, तो बाद में जब बचेगा इसका 70-80 हज़ार तो वो आपका बच गया, मतलब इसकी कीमत जो बच गई बाद में 17-18 महीने चलने के बाद, तो वो मतलब 80,000-70,000 जो भी है, लाख है जो है, वो आपका बचत हो गया। तो वैसा करना चाहिए ना आपको, वैसे प्लान नहीं किया आपने। ये जेएलएन मार्ग और ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इधर है, ये देखिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। गलता जी है, किराए में रहते हैं तो वही ये खड़ा रहेगा, अपने घर के पास में खड़ा कर सकते हैं। चार्ज भी कहाँ करोगे? चार्ज भी करना पड़ेगा आप पूरी, आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, घर में रहते हैं वहाँ पे चार्जिंग का नहीं होगा। लेकिन हो जाए तो आपके लिए अच्छा है, हो जाए तो आपको ज़्यादा बचत होगी। बाकी वैसे चला तो रहे ही हो ही रहा है, काम तो हो ही रहा है, वो हो जाए ना आपका तो आपको ज़्यादा मतलब ये है कि आपको दो पैसा ज़्यादा बचेगा। और ये मालविया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIMT है। अरे चलो भैया ब्रेक लगा रहे। और इधर ये BMCHRC महावीर कैंसर हॉस्पिटल इसे बोलते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है, मैनेज बाई KG कोठारी मेमोरियल ट्रस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट। हाँ यही है महावीर कैंसर हॉस्पिटल। और ये सीधा जेएलएन मार्ग, राइट में ये आपका सरस डेयरी है, और लेफ्ट में जाएंगे तो इधर इधर ये रास्ता जा रहा है, हमें सीधा ऊपर ब्रिज के ऊपर से सीधा निकलना है। यहाँ ये काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है देखें आप। और ये गुरु नानक देव मार्ग गए थे, ये ब्रिज और इस ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन जा रहा इधर। GT आ गया आचार्य तुलसी मार्ग GT रोड। और ये सामने वर्ल्ड ट्रेड पार्क, ये इसका बस स्टॉप है। ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क के बाहर काफी बड़ा है, ये कांच का बना हुआ, ब्लू कांच। जेनपेक्ट IT का एक कंपनी। और ये शानदार रोड जिस पे हम चल रहे हैं जयपुर का,
गिरधर मार्ग, ये गिरधर मार्ग है, आदर्श पथ रोड, और ये यहाँ फोर्टिज हॉस्पिटल आ गया। ये फोर्टिज हॉस्पिटल का यहाँ पर गेट है, अंदर जाओगे ये छोड़ोगे। और ये फोर्टिज क्रॉस होते हुए एक साइड में फोर्टिज हॉस्पिटल, ये यहाँ का इमरजेंसी, और ये जयपुर की हरियाली, चारों तरफ आपको जयपुर में हरियाली देखने को मिल जाती है। हरा भरा जयपुर बोल सकते हैं इसे। ये ज्वार सर्किल, और इसमें ये सामने पत्रिका गेट, और ये यहाँ का पत्रिका गेट काफ़ी बड़ा, ये सर्किल के अंदर, ज्वार सर्किल के अंदर बना हुआ है। और इसके थोड़ा और आगे चलेंगे तो नज़दीकी एयरपोर्ट आ जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।